दफेज कोशु का आपका मुझे फाइल पास हो जाएगी पहले पैसे ला और रिपोर्ट को गायब कर पूरा धंधा करने वालों को अनिरुद्ध गिरफ्तार करेंगे अब अगर आप खेतों को प्रेशर अपचर करा लें वो भी सच बोल रहे आराम करना जरूरी है खून निकलेगा वो 36 के अंदर 36 मैदान तो कर सकता है सेफ्टी लेडी नहीं करना और टांगे चोरी करके उल्टाया जिस टाइम गरम गरम पानी गिरा इसके अंदर उस टाइम बाबा अल्लाह मियाँ किन्नर मतलब ऐसे लोग जिन्हें समाज ना तो औरत मानता है और ना ही मर्द ऐसे इंसान जिनकी रोजी रोटी का जरिया नाचना गाना है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये किन्नर कहां से आते हैं यदि आप मानते हैं कि कोई इंसान जन्म से ही किन्नर होता है तो ये पूरी तरह सही नहीं है सच तो ये है कि ज्यादातर किन्नर डॉक्टरों की क्लिनिक में बनाए जाते हैं किसी भी अच्छे खासे आदमी को किन्नर बना देना एक धंधा बन चुका है और आज हम ऐसे ही दलालों और डॉक्टरों को बेनकाब करेंगे जो किन्नर बनाने की क्लिनिक चलाते हैं किन्नरों की दुनिया है ऐसे इंसानों की दुनिया जो अधूरे एहसास का गम लिए सारी जिंदगी नाचने गाने को मजबूर हैं। ये जमात है ऐसे इंसानों की जो पेट की खातिर हर दहलीज पर दस्तक देता है लेकिन इसी धंधे से शुरू होता है एक घिनौना अपराध ऐसा अपराध जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी इनके लिए ना तो इनके परिवार में कोई जगह है और ना ही समाज में चेहरे कई हैं संजू को संजना बना दिया गया मायाराम अब माया है और मनोज बन चुका है मोहिनी नशे गोल को मिला के पानी पिला दिया और बंदे को पता नहीं चला कट 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 काट दिया उसका मेरे को लिटा के मेरे इंजेक्शन लगा दिए मुझे होश ही नहीं रहा मैं बेहोश हो गई एकदम और फिर 2-3 घंटे के बाद मेरे को होश आया मेरे को मेरा लिंग बिल्कुल कुछ नहीं मिला कैसे बनते हैं किन्नर अपनी मर्जी से या उनके साथ कोई धोखा या जबरदस्ती की जाती है हमारा मकसद था किन्नरों की इसी हकीकत को जानना इसी इरादे के साथ निकली हमारी टीम का सामना हुआ हेमंत से हेमंत जिसकी पहचान 15 साल पहले उससे छीन ली गई और हेमंत से उसे बना दिया गया हेमा किन्नर छबरे लौंडे को आदमी हिजड़ा बना देते हैं। हेमंत की कहानी अगर दर्दनाक है तो माया किन्नर की दास्तां रोंगटे खड़े कर देती है वो हादसा याद कर माया आज भी कांप उठता है हादसा उसे माया राम से माया बनाने का एक मर्द से किन्नर बनाने का 15 दिन तक मेरे को बिस्तर पे लिटा रखा 15 दिन तक मेरे गुरु ने हाथ पर बांध के हिले ना और टांगे चोरी करके लिटाया जिस टाइम गरम गरम पानी गिरा इसके अंदर उस टाइम बाबा अल्लाह मियाँ तोबा ही जोड़ो की भाषा में ये चपटा कहते चपटा करना यानी किन्नरों की भाषा में जबरदस्ती किसी इंसान के यौन अंग को बर्बाद कर देना और इस घिनौने अपराध को अंजाम देते हैं कुछ झोला छाप डॉक्टर ऐसे डॉक्टर जो जिंदगी देने के बजाय बर्बाद कर देते हैं 19 साल के सोनू के साथ भी कुछ ऐसा ही होता एक डॉक्टर उसके लिंग का ऑपरेशन करने वाला था लेकिन सोनू किसी तरह भाग निकला मैंने वहां देखा कि बड़ी गंदी स्थिति है वहां पे लड़कों जान जैसे लड़कों को वहां पे मारते हैं कूटते हैं काम करवाते हैं सेक्स चेंज करवाते हैं जगह जगह घुमाते हैं हम जैसे लोगों को और हम लोगों से धंधा भी करवाते हैं वो लोग जाओ और कमा कर लेकर आओ
हमसे सब देखा नहीं गया, हमारे से एक्सचेंज होगा, मैं मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं सब कुछ वहां से छोड़ छाड़ कर अपने घर आ गया। हम जितने भी किन्नरों से मिले सबकी दास्तान अलग अलग थी, लेकिन उनका दर्द एक ही था। सभी को जबरन या धोखे से किन्नर बनाया गया, उनकी पहचान बदल दी गई, उनके नाम बदल दिए गए, उन्हें नाचने गाने को मजबूर किया गया। कौन है इस घिनौने अपराध के पीछे? कौन है वो लोग जो किन्नर बनाने की क्लिनिक चलाते हैं? हमने इस बात की तहकीकात शुरू की दिल्ली से। दिल्ली के नबी करीम इलाके में किन्नर बनाने के दौरान 19 साल के एक नौजवान हैप्पी की मौत हो गई। हैप्पी के परिवार वालों ने इल्जाम लगाया कि दिल्ली का एक किन्नर रामकली हैप्पी के पीछे पड़ा था। रामकली ने हैप्पी के परिवार वालों को धमकी दी थी कि वो उसे 2 लाख रुपए में बेच दे, लेकिन हैप्पी के परिवार वालों ने साफ इनकार कर दिया। परिवार वालों के मुताबिक रामकली किन्नर ने एक डॉक्टर के साथ मिलकर हैप्पी को जबरदस्ती किन्नर बनाना चाहा। डॉक्टर ने हैप्पी को जबरन बेहोशी का इंजेक्शन दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हैप्पी की मौत के तुरंत बाद पहुंची हमारी टीम को उसके घर वालों ने पूरी दास्तान सुनाई। हमने देखा तो ये सुइयां लगाई हैं, हमने ये देखा। कितनी सुइयां? 5-6 सुइयां। 4-5 सुइयां खाली पड़ी थी। अब हमारी तहकीकात का निशाना था वो डॉक्टर जो हैप्पी के परिवार वालों के मुताबिक हैप्पी की मौत का जिम्मेदार है। इस डॉक्टर का नाम है विनोद उपाध्याय। ये दिल्ली के सीलमपुर इलाके में रहता है और यहीं से चलाता है अपना क्लिनिक। हैप्पी के मामले में डॉक्टर विनोद के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला भी दर्ज हुआ था। इनके गिरोह का है ये। इनके गिरोह का। कोई बाहर का डॉक्टर नहीं है, इनके गिरोह का डॉक्टर, इन्होंने डॉक्टर बना रखा इस काम के लिए। हमारा मकसद था मर्द से किन्नर बनाने वाले पूरे रैकेट का पर्दाफाश करना और डॉक्टर विनोद उपाध्याय उसकी अहम कड़ी था। हमारा खुफिया कैमरा कैद कर रहा था उसकी एक एक बात। जब हमने हैप्पी की मौत की बात छेड़ी तो विनोद बौखला गया और कानून को कुछ यूं ललकारने लगा। हम तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने मर्डर करा, हमने मरा होगा, लेकिन कोर्ट में तो सबूत पेश तो करो कुछ। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे फिंगरप्रिंट कुछ तो हो, उसको तो सबूत हो मेरा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच्चाई। हम कह रहे हैं अगर हमने कराया था साला मैसेज कर दो। बातचीत में डॉक्टर विनोद नाम के शख्स ने बताया कि वो आम मरीजों के बजाय किन्नरों का इलाज ज्यादा करता है और दिल्ली के ज्यादातर किन्नर उसके क्लिनिक में आते हैं। जितने दिल्ली की जड़े में जाते हैं सारे जानते हैं, कोई जैसे जाते भी खराब हुई, कुछ फिर गया, कोई कुछ करने गया, मैं ही बुलाते हैं। अच्छा, दिल से तो दवाई वाई इन लोगों को आप ही देते हैं? मैं जैसे कुछ टांगे वगैरह काटने कुछ करना है कुछ, तो वो चक्कर। मतलब ऐसे कोई केस, कितने केस देखे होंगे ऐसे किन्नरों के? किन्नरों के 2000 केस देखो। लेकिन खुद को किन्नरों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर बताने वाले विनोद के पास डॉक्टरी की कोई डिग्री नहीं है। दरअसल विनोद 10वीं फेल है, लेकिन इसका क्लिनिक आज भी सीलमपुर इलाके में बेरोक टोक चल रहा है। कौन सी डिग्री है फिर आपके पास? कोई सी भी नहीं। तो आपने कहाँ से सीखा ये डॉक्टरी का पूरा? जी डॉक्टर में रह करके कंपाउंड कर कर। एजुकेशन कहाँ तक की थी आपने? 10वीं फेल। बातचीत के दौरान ही विनोद ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के एक ऐसे आदमी का जिक्र किया जो लोगों को किन्नर बनाने का ही धंधा करता है। विनोद ने बताया कि फर्रुखाबाद के इस डॉक्टर को दिल्ली और आसपास के इलाके का कमोबेश हर किन्नर जानता है। सारी में दिल्ली में सारी जो भी थकवा से होकर आते थे सब मुझे अधिकतर बुलाते। फर्रुखाबाद खबर क्या? ये सब जितने हिजड़े बंदे फरकवाद के अंदर बनते, फरकवाद में डॉक्टर है सिद्दीक, वही काम करता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और कोई करता है। अमेरिका तक के मरीज भी पेशेंट आते हैं, इस पर पूरे अमेरिका तक के आते हैं। अरे भाजी, अमेरिका, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, कोई समय से खड़ा करते हैं, पूरे दिल्ली समय जाते हैं। एड्रेस वेड्रेस होगा आपको वहाँ का? नहीं एड्रेस नहीं है, फरकवाद में सराय रहता है उस गाँव में। गाँव में डॉक्टर सिद्दीक, यही नाम था उस किन्नर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का। विनोद के मुताबिक डॉक्टर सिद्दीकी अब तक हजारों लोगों को किन्नर बना चुका है। फर्रुखाबाद के इस डॉक्टर को बेनकाब करना
बेहद जरूरी था। किन्नर और डॉक्टर के बीच क्या ताल्लुक हो सकता है? एक डॉक्टर किसी को किन्नर कैसे बना देता है? कौन है वो डॉक्टर जो किन्नर बनाने का धंधा करता है? ऐसे कई सवालों के जवाब के लिए हमने डॉक्टर सिद्दीकी की तलाश शुरू की और इसी दौरान हमें उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले का पता चला जो किन्नरों की फैक्ट्री बन चुका है। ब्रेक के बाद हम बेनकाब करने वाले हैं किन्नर बनाने के ऐसे धंधे को जिसमें शामिल हैं कई डॉक्टर। तो लगाइए सीट बेल्ट क्योंकि ये है टॉप स्पीड सिर्फ स्टार न्यूज पर। धोखे से हो या जबरन, ऑपरेशन सभी का होता है, किन्नर बनाने का ऑपरेशन। तहकीकात के दौरान हमें पता चला कि फरुखाबाद में खुद को डॉक्टर बताने वाले ऐसे कई लोग हैं जो किन्नर बनाने का ही धंधा करते हैं। ऐसे ही डॉक्टरों की तलाश में हम दिल्ली से फरुखाबाद के लिए निकले। विनोद के बताए पते के मुताबिक खुफिया कैमरे के साथ हम पहुंच गए फरुखाबाद शहर से 48 किलोमीटर दूर कस्बा सराय अघत में। यहीं उस फर्जी डॉक्टर ने किन्नर बनाने की क्लिनिक खोल रखी है। यहां हमारी सबसे पहले मुलाकात हुई नसीम से। उसने अपने आप को डॉक्टर सिद्दीकी का रिश्तेदार बताया। खुफिया कैमरे के सामने हमने इससे कहा कि हम अपने दोस्त का सेक्स चेंज करवाना चाहते हैं। हमारी बात सुनते ही इस युवक ने डॉक्टर साहब की फीस का ब्यौरा देना शुरू कर दिया। लगभग 30 के मान लो 30,000 कितना ना होता हमको 30,000 में सब चेंज हो जाएगा ना। मुश्किल है सर, उनसे पूछना पड़ेगा। दवाई भी चलेगी? हाँ दवाई, मैं 50,000 मार 50,000 ले, मैं दवाई के 50,000 ले। पूरे रुकना होगा यहाँ पर, रुकना यहाँ पर नहीं होगा, दूसरे तीसरे दिन छुट्टी कर देंगे। अच्छा अच्छा नसीम ने हमें बताया कि सेक्स चेंज कराने का मतलब दरअसल किन्नर बनाना ही है। किसी को किन्नर बनाने के लिए उसका ऑपरेशन करना होता है और ऑपरेशन की फीस होती है 50,000 रुपए। नसीम ने बताया कि डॉक्टर सिद्दीकी ने हजारों लोगों के लिंग का ऑपरेशन किया है, अनगिनत लोगों को किन्नर बनाया है। कितनों को कर दिया होगा डॉक्टर साहब ने? इंटेलिजेंट नहीं भैया। हमारी अब तक की तहकीकात भी यही इशारा कर रही थी कि मर्द से किन्नर बनाने वाले रैकेट की सबसे अहम कड़ी यही है। डॉक्टर सिद्दीकी ही वो शख्स है जिसके बारे में हमें पता चला था कि वो लोगों के ऑपरेशन कर उन्हें किन्नर बनाता है। फरुखाबाद वहाँ पे एक डॉक्टर है जो सेक्स चेंज करने का ही सिर्फ काम करता है और उसने अस्पताल बना रखा है कि बाहर से तो सिर्फ ये डॉक्टर ही डॉक्टर कि डॉक्टर के नाम पर ये धंधा करता है। अंदर सेक्स चेंज करने के 25,000 रुपए लेता है। हर कोई वहीं जाता है डॉक्टर सिद्दीकी को बेनकाब करना ही अब हमारा मकसद था। इसी मकसद के साथ हम पहुँचे डॉक्टर सिद्दीकी के क्लिनिक। हमारे साथ सोनू नाम का वही लड़का था जो 2 साल पहले इसी डॉक्टर के चंगुल से भाग निकला था। हम सिद्दीकी के क्लिनिक के अंदर पहुँचे और हमारे सामने था वो शख्स जिसकी तलाश में हम यहाँ आए थे, डॉक्टर सिद्दीकी, फर्जी डॉक्टर जो किन्नरों की दुनिया में दूर दूर तक मशहूर है। हमने सिद्दीकी को बताया कि हमें उसके क्लिनिक के बारे में दिल्ली के डॉक्टर विनोद ने बताया है। डॉक्टर विनोद का नाम सुनकर सिद्दीकी कुछ चौंका और फिर बोला, दिल्ली में भी एक डॉक्टर साहब थे विनोद जी, उनके पास गए थे। कौन जगह? सीलमपुर। सीलमपुर में जेल में था। हाँ हाँ वही वही। जानते आप उनको? नहीं, हमने सुना है। जेल में लगे। यानी दोनों डॉक्टर एक दूसरे की असलियत जानते थे। हमने इस डॉक्टर से कहा कि सोनू हमारा दोस्त है और ये अपना सेक्स चेंज करवा कर किन्नर बनना चाहता है। डॉक्टर सिद्दीकी सोनू को पहचान नहीं पाया और उसने बड़े ही पेशेवर तरीके से हमसे पूछताछ शुरू कर दी।
डॉक्टर सिद्दीकी सोनू को किन्नर बनाने के लिए उसका सेक्स चेंज करने को तैयार था, लेकिन उसकी एक शर्त थी। सिद्दीकी ने हमसे कहा कि हम कोर्ट से ये लिखवा कर लाएं कि सोनू अपनी मर्जी से सेक्स चेंज करवाना चाहता है, या फिर वो किसी डॉक्टर से ये लिखवा कर लाए कि कैंसर जैसी किसी बीमारी की वजह से उसके सेक्स ऑर्गन का ऑपरेशन करना जरूरी है। बगैर कोर्ट से कुछ नहीं है। या डॉक्टर ये कोई ये बल्ला लिख के दे कि कैंसर है, कि कोई खतरा है, नशा मरने का खतरा है, लेबोरेटरी वाला लिख के दे, तब टोटल इम्पोर्टेंस है। फरुखाबाद का डॉक्टर सिद्दीकी हमारे साथ आए लड़के को किन्नर बनाने को तैयार था, लेकिन उसने ऑपरेशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लाने की शर्त रख दी। हमने उस डॉक्टर को शर्त पूरी करने का भरोसा दिलाया, क्योंकि हम उसे करना चाहते थे बेनकाब। ब्रेक के बाद देखेंगे किन्नरों के कारोबार से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे। डॉक्टर सिद्दीकी है तो झोला छाप डॉक्टर, लेकिन वो किन्नर बनाने का धंधा बड़ी होशियारी से करता है। कभी सेक्स चेंज करने के नाम पर, तो कभी बीमारी ठीक करने के बहाने। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो किसी भी कानूनी झंझट से बचने के लिए हमें कोर्ट के कागज और डॉक्टर की नसीहत का हवाला दे रहा था। बातों ही बातों में उसने खुद कबूल किया कि ऐसे ही एक ऑपरेशन की वजह से उस पर पुलिस केस चल रहा है। फिर भी उसने बड़े फख्र से हमें बताया कि वो ऐसे कई ऑपरेशन कर चुका है। हमने सिद्दीकी से पूछा कि क्या उसके पास डॉक्टरी की कोई डिग्री है, तो जवाब ये मिला। हमारे बाप ने पढ़ाया हाई स्कूल और काम करते हैं हम। हाई स्कूल यानी डॉक्टर सिद्दीकी के पास भी डॉक्टर विनोद की तरह डॉक्टरी की कोई डिग्री नहीं है, लेकिन जरा देखिए कितनी बेशर्मी से ये अपना हुनर बयान कर रहा है। ये तो हमें गवर्नमेंट के थ्री ये ख्वाब में देखा था, हमने ऑपरेशन किसी बुजुर्ग ने दे दिया था, ये कहा था कि अगर हिंदुओं का इस टाइप से ऑपरेशन कर दिया जाए तो हिंदुओं को जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं मिलेगी। तो जब इंडिया में इसकी थ्योरी नहीं है, हमें ख्वाब में सपने का ऑपरेशन है, तो बताइए इसकी थ्योरी कहाँ रखी है। सिद्दीकी का कहना है कि वो ऐसे हजारों ऑपरेशन कर चुका है। ये दावा करता है कि वो बगैर परेशानी के आदमी को औरत की तरह बना सकता है, यानी मर्द को किन्नर। पचट मैदान तो कर सकता है, सेंट्री लेडी नहीं करना सकता। तो हमें तो ये कुदरत की देन कि जो हमने फार्म में देखा इस टाइप से ऑपरेशन को इसका रिजल्ट का कर दो तो जिंदगी में कोई पैसा में तकलीफ नहीं है। डॉक्टर सिद्दीकी की बातों से साफ था कि वो सेक्स चेंज करने के नाम पर किन्नर बनाने की दुकान चलाता है। हमारे साथ आए लड़के को किन्नर बनाने के लिए सिद्दीकी ने हमसे मांगे 25,000 रुपए। थोड़ा सा ये तो बता दो कि आप किस ढंग से कितने पैसे लेंगे, कैसे करेंगे। हमने आपसे कह दिया 25 लेंगे और कुछ नहीं। मैं तो इसमें दवा वगैरह सारे कुछ होगा। कितने दिन में आप चेंज करके देंगे? कितने दिन में? फिर 11 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 3-4 दिन यहाँ रखना, उसको ले जाओ। अरे अभी कर दें, अभी ले जा सकते। हमने सिद्दीकी से पूछा कि वो ऑपरेशन कहाँ करता है, क्या उसके पास कोई ऑपरेशन थिएटर है, तो जवाब मिला कि किसी को किन्नर बनाने के लिए उसे किसी ऑपरेशन थिएटर की जरूरत नहीं, वो कहीं भी और कभी भी ऐसे ऑपरेशन कर सकता है। अब अगर आप खेतों में ऑपरेशन हमसे करा लें, वो भी सक्सेसफुल हो जाएगी। ये तो कुदरत की देन है, तब भी आप करा लेंगे। बोरे पे अगर आप पेट खोल दें तब भी आप कामयाब हो जाएंगे। पटपस नहीं पड़ सकता, इन्फेक्शन नहीं हो सकता, नथिंग नहीं सकता। फर्रुखाबाद के फर्जी डॉक्टर सिद्दीकी ने बताया कि उसे मर्दों को किन्नर बनाने में महारत हासिल है और वो कई लोगों को ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग भी दे चुका है। लोगों के सेक्स ऑर्गन बदलकर उन्हें किन्नर बना देना एक धंधा बन चुका है, और यह धंधा फर्रुखाबाद में सिद्दीकी जैसे कई डॉक्टर कर रहे हैं। हमने तहकीकात जारी रखी। ब्रेक के बाद हम बेनकाब करेंगे ऐसे डॉक्टरों को जिनकी क्लिनिक किन्नर बनाने का कारखाना बन चुकी हैं। आप देखते रहिए
दलालों की मिली भगत से कुछ डॉक्टर चला रहे हैं किन्नर बनाने का गोरख धंधा। स्टार न्यूज कोबरा पोस्ट कर रहा है डॉक्टरी के पेशे को बदनाम करने वालों को बेनकाब। मध्य प्रदेश उपचुनावों में हार से खिसियाई उमा, अटल आडवाणी को दिया बूढ़ी विधवा बुआ का नाम। अंपायर डैरिल हेयर को मिली सजा, आईसीसी ने लगाई अंतर्राष्ट्रीय मैचों की अंपायरिंग करने पर पाबंदी, लेकिन एलीट पैनल में बरकरार। और टीम इंडिया की हालत पस्त, लेकिन कोच चैपल है मस्त। मॉडल्स का कैटवॉक देखने पहुंचे मुंबई फैशन वीक। मामला जबरदस्ती किन्नर बनाने का हो या फिर अपनी मर्जी से, किन्नर बनाने वाले डॉक्टरों को सिर्फ रुपए से मतलब होता है। तहकीकात के दौरान हमने फरुखाबाद के एक ऐसे ही डॉक्टर को बेनकाब किया। उसने हमें अपना वो ऑपरेशन थिएटर भी दिखाया जहां अच्छे भले लोगों को बना दिया जाता है किन्नर। फरुखाबाद में इलाज के लिए कई अच्छे डॉक्टर और क्लिनिक्स हैं, लेकिन इस सम्मानजनक पेशे की आड़ में ऐसे लोगों की दुकान भी चलती है जिनका धंधा लोगों को किन्नर बनाना है। ऐसे ही एक शख्स का नाम है मोहम्मद शहनवाज खान, यानी एमएस खान। एमएस खान खुद को यूनानी मेडिसिन और सर्जरी का ग्रेजुएट बताता है। बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। अच्छा। हमने खान से कहा कि हम किन्नरों के एक ग्रुप में काम करते हैं और हम एक लड़के को किन्नर बनाना चाहते हैं। इसके लिए चाहे मोटी रकम ही खर्च क्यों ना करनी पड़े। हमारी बात सुनकर एमएस खान ने कहा कि काम हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन वो खुद नहीं, कोई दूसरा डॉक्टर करेगा। एमएस खान ने कहा कि किन्नर बनाने के लिए ऑपरेशन करना जोखिम भरा काम है और इस काम के लिए वो किसी दूसरे सर्जन की मदद भी लेगा। एमएस खान ने हमें बताया कि किसी को किन्नर बना देने के लिए ऑपरेशन करना बड़ी बात नहीं है, खतरा पुलिस और स्थानीय लोगों से रहता है। और कितने किए डॉक्टर साहब आपने? वैसे तो हम यहाँ तो मना कर देते हैं, तो यहाँ के लोकल को तो मना कर देते हैं। यहाँ पे लोकल गया था ना कि आप आए, है ना, आपको तो सब जानते हैं, कोई नहीं जानता है। और यहाँ का आया लोकल तो आदमी जानता है भाई, आप लेके आए, अगर आपके यहाँ के लोग आपको जानते हैं तो आदमी शक्कर है और फिर कंप्लेंट करते हैं। फर्रुखाबाद का डॉक्टर एमएस खान अपने क्लिनिक में लोगों को कैसे किन्नर बनाता है, कैसे लोगों का ऑपरेशन किया जाता है, हमारे हर सवाल का जवाब एमएस खान बेतकल्लुफी से दे रहा था। क्या इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? उसको नोट करके यही निकाल दिया जाता है, नोट है, हटा दिया जाता है। तो किस ढंग से उसको शेप कुछ देंगे क्या? शेप क्या होगा फिर तो उसमें सर्जरी करनी पड़ती है। अच्छा, सर्जरी कितने पैसे लगेंगे? उसमें तो अच्छा खासा खर्च होता है। एमएस खान ने बताया कि एक मर्द को किन्नर बनाने के कई तरीके हैं, अलग अलग तरह के ऑपरेशन और फीस हैं। मसलन वो यौन अंग की नसें काटने के लिए 10,000 रुपए लेता है, लेकिन किसी को बिल्कुल महिलाओं की तरह बनाना हो तो उसकी फीस 60,000 से 70,000 रुपए होगी। तो मतलब इसको इसको बिल्कुल ठीक किन्नर बन जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, 12,000 रुपये बिल्कुल मतलब सफा करने के, काटने के। और अगर उसको उसमें हम उससे बनवाना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल बनवाना चाहते हैं, तो उसके 60-65,000 रुपये है ना सर्जरी की, लगभग इतना हो जाएगा। वैसे थोड़ा सा प्रोसीजर बताएंगे हमें कैसे होगा, कैसे करेंगे? तो क्योंकि थोड़ा डर है, थोड़ा सा डर है हमें, थोड़ा सा बताएंगे। नहीं, पूरा तो मैं जानना नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा अगर आप बताएंगे कैसे करेंगे तो थोड़ा सा हमें भी थोड़े
नहीं कह सकते क्योंकि हमारे गुरु हम गुरु को वाया कर रहे थे, उनको तो सब कुछ पता है। और उनको मतलब कैसे आप सुन कर करेंगे, कर देंगे इनको भी कुछ नहीं पता लगेगा कब क्या होगा। ठीक है अब ये रख लीजिए आप, हैं लोग भाग आ रहे हैं, हम कल मिले फिर आपसे। ठीक है हो जाएगा ना, बिल्कुल सही बन जाएंगे ना ये। एमएस खान जैसे डॉक्टर किन्नर बनाने के एक नहीं कई तरीके जानते हैं। उनकी फीस 10,000 से लेकर 70,000 रुपए तक होती है। एमएस खान भी काफी पेशेवर तरीके से इस घिनौने ऑपरेशन की सौदेबाजी कर रहा था। ब्रेक के बाद आप देखेंगे वो ऑपरेशन थिएटर जहां मर्दों को बनाया जाता है किन्नर। किन्नर बनाने के लिए फरुखाबाद का झोला छाप डॉक्टर सिद्दीकी अपने देसी हुनर से ऑपरेशन करने के दावे कर रहा था, जबकि एमएस खान नाम के डॉक्टर ने बताया कि उसके पास आधुनिक औजारों वाला ऑपरेशन थिएटर है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसी एमएस खान का ऑपरेशन थिएटर जहां हजारों रुपए फीस लेकर लोगों को बनाया जाता है किन्नर। एमएस खान किसी सधे हुए सर्जन की तरह हमें ऑपरेशन की बारीकियां समझा रहा था। एमएस खान ने हमें बताया कि किसी मर्द को पूरी तरह किन्नर बनाने के लिए ऑपरेशन के बाद महिला हार्मोन्स का इंजेक्शन देना जरूरी है। ये इंजेक्शन कहीं से भी लिया जा सकता है। पूरा किन्नर बनाने के लिए इनको हार्मोन्स भी डालने पड़ेंगे, तो वो भी कर देंगे आप? हार्मोन तो देंगे, नहीं डल पाएंगे। ठीक ठीक ठीक, ऑपरेशन यहाँ हो जाएगा, ऑपरेशन आपके ही इसमें क्लिनिक में। एमएस खान ने कहा कि ऑपरेशन हो जाएगा और इसमें एक दो डॉक्टरों की मदद ली जाएगी, लेकिन वो फीस में रियायत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और वैसे बिल्कुल हटाने के 12-13 हज़ार रुपए तो हो जाएंगे। 12-13 सौ रुपए? 12-13 हज़ार रुपए? 12-13 सौ रुपए? हाँ 12-13। मैंने तेतिया भी नहीं लेता है 12-13 सौ। तो हो जाएगा, कौन से डॉक्टर साहब करेंगे? मैं सोचा आप ही करेंगे। नहीं मैं भी करता हूँ, प्लस एक डॉक्टर नहीं कभी भी कर पाता। आप बताओ एक डॉक्टर अकेले सब कुछ कर लेगा? ऋषि अलग होते हैं और जो क्या नाम असिस्ट करता है वो अलग होता है, डॉक्टर असिस्ट करने के लिए वो नहीं करता। एमएस खान ने किन्नर बनाने के तमाम तौर तरीके बताए और अब बारी थी उस खास जगह को देखने की जहां एमएस खान लोगों के यौन अंग का ऑपरेशन कर उन्हें किन्नर बनाया करता है, मतलब ऑपरेशन थिएटर। तो एक बार ऑपरेशन थिएटर दिखला देंगे हमें कैसे? सारी मशीनें हैं, मशीन तक सब कुछ है, मतलब कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर भी ऐसा हो जाता ना कि जो अनकॉन्शियस हो जाता है या कोमा में चला जाता है, इधर की वजह से या स्पाइनल की वजह से, तो वो नहीं होता है हमारे यहाँ। इमरजेंसी में सब कुछ हो जाता है, एनेस्थेसिया होती है, उसी से ही सब अनकॉन्शियस वापस सब ठीक हो जाएगा। मतलब ये बढ़िया जगह, हम सोच रहे थे कि झोला छाप डॉक्टर के पास ना जाकर हमें पता लगा यहाँ पर चले जाओ। हमारे गुरु ने भी कहा था कि वहाँ पर चले जाना तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक। एमएस खान ने बताया कि उसने यौन अंग के ऑपरेशन के लिए तमाम चीजों का इंतजाम कर रखा है। बेहोशी के लिए एनेस्थेसिया हो या फिर इमरजेंसी से जुड़े साजो सामान, किसी को किन्नर बनाने के लिए एमएस खान के पास सब कुछ मौजूद है। फरुखाबाद के इस डॉक्टर को बेनकाब करने के लिए हमने एक लड़के को किन्नर बनाने का सौदा तय किया। सौदे के मुताबिक एमएस खान नाम के इस डॉक्टर ने हमसे 2,000 रुपए एडवांस दिए। और ना आपको ऑपरेशन होने पर, नहीं ठीक है बिल्कुल, दूसरा ले लो नहीं तो। हाँ देख लीजिए बिल्कुल ठीक ही होंगे सर। मैं भी अभी तक दिल्ली रहा। अच्छा ठीक है, क्या हूँ दिल्ली मगर क्या BUMS किया मैंने। अच्छा BUMS किया, ये क्या होता है? बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। अच्छा एमएस खान नाम के इस डॉक्टर को हम पर भरोसा हो चुका था। दूसरी मुलाकात में एमएस खान ने बतौर एडवांस 1,000 रुपए और लिए। इस बार खान ने हमें अपने दस्तखत के साथ एक छोटी सी रसीद नुमा पर्ची बांधी जिसमें एडवांस में लिए 3,000 रुपयों का जिक्र था। उसने ऑपरेशन की तारीख ईद के बाद तय करने का वादा किया। रमजान के बाद
ईद के बाद में आपको फ़ोन कर लेंगे। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि इस किन्नर बनाने के लिए जो भी आपको जो पैसे दिए हूँ 3,000 रुपये आप ध्यान रखिएगा इस बात में। आप कुछ लिखा है ना, ये आप भी ध्यान रखिएगा हमारी। ठीक है, फर्रुखाबाद के डॉक्टर MS खान की असलियत खुल चुकी थी। उसने हमसे एक लड़के के सेक्स ऑर्गन के ऑपरेशन का सौदा किया, एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बाद इंसान न औरत कहलाता है न ही मर्द। इस घिनौने ऑपरेशन के धंधे में फर्रुखाबाद का फर्जी डॉक्टर सिद्दीकी भी शामिल है। सारा खेल किन्नर बनाने के कारोबार का है। किसी को किन्नर बना देना कारोबार बन चुका है और ये कारोबार उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में तेजी से फल फूल रहा है। लेकिन किन्नर बनाने के धंधे में सिर्फ डॉक्टर ही शामिल नहीं है। ब्रेक के बाद आपके सामने होगी किन्नरों की दुनिया की एक और खौफनाक तस्वीर। आप देखते रहिए ज्यादातर किन्नर पैदाइशी नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। सोचने वाली बात है कि अच्छे भले लोगों को किन्नर क्यों बनाया जाता है, क्यों किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। दरअसल इस धंधे की वजह किन्नरों की कमाई है। किसी ग्रुप में ज्यादा किन्नर होंगे तो उसकी आमदनी भी ज्यादा होगी और यहीं से शुरू होता है आम इंसानों को किन्नर बनाने का धंधा। इस धंधे की खातिर कई लोग किन्नरों से शादी भी कर लेते हैं। किन्नरों की जमात में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किन्नर नहीं होते, ऐसे लोग जो किन्नरों से शादी करते हैं, ये गिरिया कहलाते हैं। गिरिया किन्नरों की एक परंपरा है, लेकिन अब ऐसी शादियों की आड़ में होता है किन्नर बनाने का धंधा। इस धंधे में शामिल एक ऐसा ही गिरिया किन्नर है बबलू उर्फ भोलू। इसने पहले माला नाम के किन्नर से शादी की और अब ये गिरोह बनाकर करने लगा है किन्नर बनाने का धंधा। और इस धंधे में उसके मददगार हैं डॉक्टर। हमें तो पता, आप पे भरोसा, तो आप हमारे को पैसे दे दोगे, आप आपको दिखा देंगे ये रहा डॉक्टर, ये रहा वो, आप हम जा रहे हैं, जो भी मिल जाएंगे हमारे को। उसके बाद आपकी एडमिट आप करवा के एक महीना रुकना, जितना आराम दे सको आराम देना। भोलू नाम का ये शख्स किन्नर बनाने के लिए ऑपरेशन की बात कर रहा था और इस ऑपरेशन के लिए उसने हमसे 2,00,000 रुपयों की मांग की। उसने दावा किया कि वो पहले भी ऐसे कई ऑपरेशन करवा चुका है। बताओ ऑपरेशन जब होगा तो वो कैसे होगा यार, उसमें कोई मतलब कोई समस्या तो नहीं होगी ना? ना, ना, ना। कैसे करते हो? आम लोगों को किन्नर बना देने का धंधा करने वाले शख्स भोलू को इस बात का बखूबी एहसास है कि धोखे या जबरदस्ती से किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना संगीन अपराध है। उसने हमें हिदायत दी कि हम ऑपरेशन के लिए हुए सौदे का जिक्र किसी से ना करें। ये बात ज़्यादा लीक नहीं होनी चाहिए। मैंने जिससे कि पूरी बात ना हो जाए ना, मतलब जिससे काम पूरा ना हो जाए, मैंने मिशन पूरा ना हो जाए। हमको पता है ना, जल पता है और किसी को तो नहीं पता, बस पता भी ना चलनी चाहिए। मुकदमा लगता है बहुत तगड़ा, 76 में आ जाएगी हमारी गिनती। 76 हमारे 17 साल से पहले जमाना नहीं है, इसलिए किसी को ये बात बताना मत। जो काम हो जाए आराम से हो जाए, किसी को खबर भी ना लगे और काम भी हो जाए, किन्नर बनाने का धंधा यूं ही धोखे और जबरदस्ती से चलता है। लेकिन जो भी इस धंधे का शिकार बनता है वो किन्नर बनने के दर्द को पूरी उम्र भूल नहीं पाता। हेमंत आज भी उस पल को याद कर सिहर जाता है जब उसके यौन अंग का ऑपरेशन कर उसे जबरदस्ती किन्नर बना दिया गया। जिंदगी बर्बाद होगी माँ बापों के घर, जब हिजड़ों के पीछे माँ बापों को छोड़ देते, माँ बाप थोड़ा मुझे कलेजे से लगाएंगे। मैं अपने घर पे ना, मैं घर के लिए ना, बाहर के ना, मैं कहीं के ना हिजड़ों में जा सकते, मैं कहीं की भी नहीं रही। किन्नरों की कमाई का सबसे पुराना और पारंपरिक जरिया है नाचना गाना। ये उनकी मर्जी नहीं मजबूरी है, लेकिन इन्हें अधूरी जिंदगी जीने को किसने मजबूर किया? किसने हेमंत, संजू, मनोज और मायाराम जैसे नौजवानों की पहचान छीन ली? किसने इन्हें किन्नर बना दिया?
जब भी ये सवाल उठते हैं तो सिद्दीकी और एमएस खान जैसे कई डॉक्टरों और उनके दलालों का नाम ही सामने आता है। ऐसे लोग जो किसी जिंदगी को बर्बाद कर किन्नर बनाने का कारोबार करते हैं। आम लोगों से अलग ही सही, किन्नरों का अपना जीवन है। किन्नरों ने समाज में तेजी से अपनी जगह बनाई है। समाज के साथ साथ राजनीति में भी इनकी हिस्सेदारी बढ़ी है, लेकिन ताकत और तादाद बढ़ाने के लिए भोले भाले लोगों को जबरन किन्नर बनाना एक गंभीर अपराध है और इस घिनौने अपराध पर रोक लगना जरूरी है। एक और खुलासा, एक और सच और कई सवालों के जवाब। अगले हफ्ते कुछ और चेहरे होंगे बेनकाब। करने वालों को अनिरुद्ध करेंगे बेनकाब।